शुरुआत करते हैं बाय चैंटिंग गुरु का आवाहन करके और गायत्री मंत्र चैंट करके हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, राइट? सो वी बिगिन विद द सेशन। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी, हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। पहले ये जान लेते हैं कि इस जर्नी में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। इसे मैं कोई कोर्स नहीं कहूंगी, कोई वर्कशॉप नहीं कहूंगी। जर्नी कहने के पीछे एक रीजन है कि हम एक साथ आगे बढ़ते हैं, हर स्टेप पे कुछ नया सीखते हैं और हर स्टेप पे कुछ नया करते हैं, एक साथ इवॉल्व होते हैं, हमारी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज अ जर्नी, राइट? तो एक बारी एक नजर डाल लेते हैं कि इस जर्नी में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग क्या-क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो एज वी ऑल नो दिस इज ब्रॉट टू यू बाय गुरुजी ज्ञान एकेडमी, जिसमें राजीव सर और पूनम मैम दोनों मिलकर दे हैड एक्चुअली ब्रॉट दिस आइडिया फॉरवर्ड के ये नॉलेज सब तक पहुंचनी चाहिए। तो जब सब तक पहुंचनी चाहिए तो इसमें ऑब्वियसली द फी वाज अ मेजर कंपोनेंट दैट वाज केप्ट वेरी नॉमिनल, और लर्निंग के लिए हर वो प्लेटफॉर्म पे चीज दी गई जो आप कर सके, राइट? सो वी आर रियली थैंकफुल टू देम, वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु हैव कनेक्टेड। अब बात करते हैं ईएफटी थेरेपी की। तो जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, इसमें हम अपने कुछ ही पॉइंट्स को टैप करके एंड वी हील आवर बॉडी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इस जर्नी में आप ऐसा क्या सीखने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से कराई जाएगी जहां हम प्रैक्टिकली इसे प्रैक्टिस करेंगे। ये एक्चुअली एक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट है जिसमें एंशंट हीलिंग आर्ट, जिसे हम एक्यूप्रेशर कहते हैं, उसे और साइकोलॉजी को मिक्स करके हम सारे डिजीजेस को क्योर करने की कोशिश करते हैं। ये हर तरीके के फिजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज को क्योर कर सकता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आजकल बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं घुटनों का दर्द। तो जिन जिन के घुटनों का दर्द है वो इससे क्योर हो सकते हैं। किसी भी तरीके का जॉइंट पेन क्योर हो सकता है, दांत में दर्द है, नसों की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, वेट लॉस, गैस प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, किडनी और हार्ट के इश्यूज को भी क्लियर कर सकते हैं। देन साइकोलॉजिकल इश्यूज कौन कौन से क्लियर होते हैं इससे? इमोशनल प्लेन पेन जो आप कैरी कर रहे हैं, काफी टाइम से आपके मन में कोई ऐसी बात है, कोई उदासी है जिसे आप कैरी कर रहे हैं, तो उसे हम रिलीज करते हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हम, सो वी रियली मीन दैट के हम लोग मिलके इस जर्नी में इस पार्ट को हील करेंगे।
उसके अलावा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल इश्यूज, इट इंक्लूड्स किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एडिक्शंस हैं जो कि आज की डेट में चैलेंज बन चुके हैं, तो उन्हें क्योर करने में ये बहुत हेल्पफुल है। फिर किसी भी प्रकार के फेयर्स हैं, ट्रॉमास हैं, लेजीनेस, मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, इन सबको हम इसी ईएफटी टेक्निक से हील करते हैं। अब ईएफटी में आप सीखने क्या वाले हैं? पहली चीज इंट्रोडक्शन कि ये कौन सा हीलिंग टूल है, और एविडेंस बेस्ड रिसर्च है। वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर, दिस हैज आल्सो बीन ट्राइड ऑन डॉक्टर्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मौका दिया था, वेर इन आई वॉज एट अ प्लेटफॉर्म जहां पे जितनी फीमेल डॉक्टर्स हैं उनको इसके बारे में नॉलेज दी गई, और उनको हमने ईएफटी टैपिंग से काफी चीजों में मदद की। देन इंट्रोडक्शन टू एनर्जी, बॉडी डिटेल्ड और अलग अलग टैपिंग पॉइंट्स के बारे में। फिर हमारे टैपिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और कैसे हम डिजीजेस को इमोशंस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ईएफटी फॉर वेट मैनेजमेंट, फिजिकल पेन, जॉइंट पेन, देन लर्निंग टू क्राफ्ट ईएफटी, अंडरस्टैंडिंग द टैपिंग सीक्वेंस और इससे रिलेटेड गोल्डन रूल्स क्या क्या है, ईएफटी फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंगर एंड इरिटेशन। तो ये सारा कुछ हम इसी में कवर करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम ईएफटी को अलग अलग चीजों में यूज करेंगे, जैसे इमोशनल इम्बैलेंसेस को हील करने में, देन टू ट्रैक द प्रोग्रेस, कैसे हम अपना प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को हील करने के लिए, ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, देन ओसीडी के लिए, रिलेशनशिप टैपिंग, फिर लिमिटिंग बिलीफ्स टैपिंग, अर्थराइटिस की थेरेपीज, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और थेरेपी जो कि हम किडनी लिवर से रिलेटेड एलिमेंट्स में देते हैं, फिर रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ऑल दिस वुड बी कवर्ड। अब ये सब आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से बताया जाएगा, ऑडियोज शेयर किए जाएंगे, पीडीएफ्स होंगे, सेशन के समराइज नोट्स मिलेंगे आपको, और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद यू विल बी गिवन सर्टिफिकेट फॉर द सेम। सो दीज आर द कोर्स कंटेंट्स दैट वी विल बी कवरिंग, या वो चीजें जो हम इस जर्नी में सीखेंगे। अब बात करते हैं कि ईएफटी बेसिकली है क्या और ईएफटी क्यों सीखना चाहिए। ओके, सो जैसे कि आपको पता है हमारा ब्रेन जितना छोटा है उतने ही कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन के सिस्टम्स हैं। जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं इसमें ब्रेन का एक डिजिटल डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इमोशंस स्टोर्ड हैं, जहाँ पे खुशी भी है, प्यार भी है, दुख भी है, अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, तो जेलेसी भी है, हेट्रिड भी है, हर चीज है इसमें। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दोज इमोशंस जिनकी हमें अपनी ग्रोथ के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ती, वो इमोशंस जो हमारी ग्रोथ में बाधा का काम करते हैं, जैसे गुस्सा। गुस्सा क्या करता है? आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपको गुस्सा आया, अब उस गुस्से में आप हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे कि आप उसको उसके इक्विवेलेंट दुख दे सके या चोट पहुंचा सके। तो उसमें क्या रहता है कि ऐसे केसेस में हम खुद ही का नुकसान कर बैठते हैं, कार्मिकली भी नुकसान करते हैं, इमोशनली भी करते हैं। तो
तो ऐसे इमोशन से फ्री होने के लिए हम ये टेक्निक सीखते हैं। नाउ ये क्या है हमारे पास? वी आर ऑल गिफ्टेड बाय द पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो हमें इनफाइनाइट बना देता है। हमारी कोई लिमिट नहीं है। हम इमेजिन करते हुए यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन बिकम एनी वन एंड एनी पर्सन। तो उसी तरीके से एक यही इमेजिनेशन पावर को यूज करके, अपनी पावर्स को यूज करके हमारी कोशिश है कि हम अपने एलिमेंट्स से रिकवर कर सके। एक डॉक्टर का कहना है कि 85% जो डिजीजेस हैं उनका कारण हमारे इमोशनल इश्यूज हैं, जो अनरिजॉल्व्ड हैं, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते। तो जब हम उस पे EFT करते हैं तो वो एक हीलिंग टूल बन जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, ये गैप को ब्रिज कर लेते हैं, इमोशनल गैप को ब्रिज करते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इससे हम एक दिन रिकवर कर जाएंगे। नाउ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक अगर हम देखें तो 1997 से काम कर रही है। इसके अगर हम रूट्स देखें तो रूट्स कहाँ से, आप नीचे देखेंगे तो एक्यूपंचर, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वेस्टर्न है, चाहे जापानीज है। फिर उसके बाद ये सब मिलके अप्लाइड काइनेसोलॉजी के साथ मिले, देन NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बिहेवियर काइनेसोलॉजी, फिर थॉट फील्ड थेरेपी, इन सब का मिला के जो निचोड़ निकला वो निकला इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में, विच वॉज इन 1997। एक बहुत छोटा सा आपको एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। देखिए आपके सामने आप एक स्पाइडर को देख पा रहे हैं, एक स्पाइडर की इमेज को देख पा रहे हैं। अब कई लोगों के लिए क्या है कि स्पाइडर्स को ये लोग या मकड़ी को बहुत डेंजरस समझते हैं। तो उस समय क्या होता है, अगर आपके सामने किसी सरफेस पे एक स्पाइडर चल रहा हो, आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है, और इमोशन कौन सा रिलीज हो रहा है, डर का। तो ऐसे में फीलिंग क्या आती है, या तो बहुत जल्दी जल्दी हार्ट रेट बढ़ जाता है, पाम्स में पसीना आ जाता है, या आप उस समय फ्रीज हो जाते हो। तो बिहेवियर क्या आएगा, जो मैसेज ब्रेन देगा, बिहेवियर देगा या तो वहां से भाग जाओ, या इसको मार दो, या फिर कॉवर। तो इसमें से हम जो चूज करते हैं, हम अपने उस इमोशन से डोमिनेंटली रूल होते हैं। सो दिस इज कि हमारे माइंड में ऐसे डिस्ट्रप्शन थॉट्स कैसे आते हैं। ये आते हैं इनसिक्योरिटी की वजह से, डर की वजह से। नाउ अब सबसे ज्यादा जो हम फेस करते हैं, किसी भी ट्रिगर से हम कैसे रिएक्ट करते हैं। सपोजिंग आप एक प्लेस पे हैं जहां एवरीबॉडी इज पॉइंटिंग आउट, आपको ब्लेम कर रहे हैं, ऐसे में आपके मन में कौन कौन से इमोशंस आएंगे। आपके मन में एंगर आएगा, शर्म आएगी, जलन आएगी, और डर भी आएगा। बिहेवियर क्या रहेगा, या तो आप रिपल्सिव बिहेवियर शो करोगे, जहां पे आप उस चीज को मार के खत्म करना चाहोगे, या आप उस सिचुएशन से भागना चाहोगे। फिजियोलॉजी क्या रहेगा, कि आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, और कई बार पसीना आना शुरू हो जाता है। बिलीफ क्या हो जाता है, इससे इससे बिलीफ हो जाता है कि आप ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते, और ये बिलीफ आपको दूसरे दिलवाते हैं आपके खुद के बारे में। तो फिर इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस हिल गया, कॉन्फिडेंस हिला, देन एक्सप्रेशन का जरिया हिल गया, जिसकी वजह से थ्रोट चक्रा गॉट ब्लॉक्ड। अब थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं।
थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आप थायराइड से पीड़ित हो सकते हैं, आपको बात बात पे खांसी उठेगी, आप अपनी बात रख नहीं पाएंगे या आप चीजों को छुपाएंगे और झूठ बोलेंगे। तो ये क्या है? ये रिजल्ट है उन इमोशंस के जो उस पल में आपके मन में आए। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स दे गए, अगर हम वन बाय वन भी इन्हें क्योर करना शुरू करेंगे, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमारा बिहेवियर किस चीज से गवर्न होता है बेसिकली? अगर हम देखें तो हमारा बिहेवियर सबसे पहले गवर्न होता है जरूरतों से, पे ऑफ से, एंड देन ऑल अबव इज बिलीव्स, कि हम किस में विश्वास रखते हैं। अगर किसी चीज में विश्वास रखते हैं, अगर खुद पे विश्वास रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो हम करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि पे ऑफ्स और जरूरतें, उसको हम देखते हैं एज रिएक्शन। फिर अगर फीलिंग्स को हम देखें, फीलिंग्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। अब अगर आप देखें सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि सिर दर्द होना, चक्कर आना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कौन सा इमोशन है उस समय? आप ये सोच रहे हो कि कुछ आपके साथ गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। अगर बाल बहुत झड़ते हैं, तो आपके खुद के अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है उसकी कमी है, या किसी प्रकार का टेंशन या स्ट्रेस है। देन अगर सुनने में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आप सुनना ही नहीं चाहते कि आपके आसपास क्या जा रहा है। और दूसरी चीज कि आपके अंदर गुस्सा है उस चीज का जो आप सुन चुके हो, इसलिए यू आर नॉट बॉदर्ड नाउ। फिर स्टमक रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप नई चीजों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, नए आइडियाज को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, राइट? अभी हम बहुत छोटी सी चीज करेंगे। आप सभी ने होपोनोपोनो के बारे में सुना है, राइट? होपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ चार लाइंस बोलते हैं। वो चार लाइंस होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, राइट? अब हमें क्या करना है, हमें ये चार लाइंस बोलते हुए टैप करना है कुछ पॉइंट्स पे अपनी बॉडी के, अपने फेस के पॉइंट्स लेते हैं चलिए पहले, ठीक है? एक तो हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, इसे हम कराटे चॉप बोलते हैं, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट है कराटे चॉप। आप लोग प्लीज मेरे साथ इस पॉइंट पे टैप कीजिए, बहुत जेंटली टैप करना है अपने हाथ की फिंगर्स को यूज करके। मैं तो फर्स्ट टू थ्री फिंगर्स ही यूज करती हूँ, बहुत जेंटली टैप कीजिए, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपकी राइट आईब्रो के ऊपर, सेकेंड पॉइंट, बहुत जेंटली आप टैप करेंगे, राइट? थर्ड पॉइंट है आपकी राइट आंख के पास में, दिस इज द थर्ड पॉइंट। राइट, फोर्थ पॉइंट है आपकी आंख के नीचे, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपके लिप्स के ऊपर, दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज ऑन योर कॉलर बोन,
आपके गले के नीचे कॉलर बोन पे, ये आपका सिक्स्थ पॉइंट है। सेवेंथ पॉइंट हमारा क्राउन चक्रा पॉइंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, एज आई मेंशन, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ, राइट। तो अब हम इन सेवन पॉइंट्स पे टैप करेंगे। आप लोगों में से जितने लोग कंफर्टेबल है कैमरा ऑन करने में, यू कैन प्लीज डू इट एंड देन प्रैक्टिस सो दैट आई नो कि आप सही तरीके से कर रहे हैं, राइट। तो इसमें मैं कंटिन्यूअसली अफर्म करूंगी होपोनोपोनो के अफर्मेशंस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, राइट। तो हम क्या करेंगे, वील स्टार्ट विद द कराटे चॉप। आप लोग साथ साथ करिए प्लीज, जेंटली। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तीन बार अफर्म करूंगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। नाउ चेंज टू द आईब्रो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। चेंज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। चेंज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। चेंज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। चेंज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सो करेंटली व्हाट वी डिड वाज, हमने सिर्फ अपने फेशियल पॉइंट्स को कंसिडर किया और कराटे चॉप को, और हमने होपोनोपोनो किया, राइट। ये अभी हमने सिंगल राउंड किया। अब जब इन्हीं पॉइंट्स को, इनफैक्ट ये अकेले नहीं है, देर आर 18 पॉइंट्स, 18 पॉइंट्स पे जब हम टैपिंग करते हैं यूजिंग डिफरेंट अफर्मेशंस, तो हमारी बॉडी के वो पर्टिकुलर ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। जो आज आपने किया, इसका असर आपको पता चल जाएगा इन टाइम टू कम। जैसे आपको अगर प्रॉपर नींद नहीं आती है, नींद आने लग जाएगी। अगर आप कहीं भी हेडेक या कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे, तो उसमें आपको एकदम रिलीफ मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में आपको एकदम रिलीज होती है, आप हल्का महसूस करते हो एक्चुअली। तो ये
सिर्फ एक स्टार्टिंग है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम, जो हमारा लास्ट बैच था ईएफटी का, उसमें कई लोग ऐसे थे हु साइमल्टेनियसली स्टार्टेड ट्रीटिंग पीपल अराउंड देम हैविंग प्रॉब्लम्स विद डिफरेंट एरियाज. जहां पे वी वर एबल टू ट्रीट पीपल हैविंग डायबिटीज, हैविंग नी पेन. नी पेन का तो ये सिस्टम था कि उनको सर्जरी के लिए बोला था, बट ईएफटी करते करते वो सर्जरी नहीं हुई एंड ही रिकवर्ड हिज नी पेन, क्योंकि उनका एक ट्रॉमा था जो वो रिलीज नहीं कर पा रहे थे, जो हमने ईएफटी के थ्रू रिलीज किया था. देन द मोस्ट चैलेंजिंग केस दैट वी गॉट इन द लास्ट बैच वॉज ऑफ अ लेडी हु कुडंट हियर एंड स्पीक. शी वॉज डेफ एंड डम. उनका ट्रीटमेंट एक पार्टिसिपेंट ने किया था, और उन्होंने सेम वही टेक्निक यूज करके, अफर्मेशंस यूज करके, उनके साथ प्रॉब्लम की क्या थी कि क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी, वो सुन नहीं पाती थी, सो शी वॉज वेरी अग्रेसिव एंड वायलेंट. तो उनके घर वाले परेशान थे इस चीज से. तो थैंकफुली यस, क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है. क्लास की रिकॉर्डिंग 2 साल तक आपके पास रहती है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं. एंड इसमें क्या था कि उनका अग्रेशन, उनका एंगर इतना नीचे आ गया, देन शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन द वे शी कुड. तो घर वाले उस चीज से काफी खुश हो गए थे. तो ऐसे काफी सारे केसेस थे जो हम लोगों ने ऑनगोइंग सेशंस में हील किए थे. सो व्हेन वी आर इन द यू कैन से जर्नी, जहां हम प्रैक्टिकली अपने ऊपर पहले कर रहे हैं उसको टेस्ट, हम अपने ऊपर कर रहे हैं, एंड देन विद आर एक्सपीरियंसेस वी आर एबल टू हेल्प आउट पीपल. सो दिस वुड बी द एंटायर जर्नी अबाउट. ये जर्नी 2 महीने की रहेगी. 2 महीने तक हम इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे. आपके आसपास ऐसे कई केसेस होंगे, आपके फैमिली में होंगे वो लोग जिनके अलग अलग सिचुएशन से डील कर रहे हैं. किसी भी स्टेज पे मैं मेडिकल या मेडिसिन लेना बंद करना नहीं सजेस्ट करती हूँ. आपकी हेल्थ इंप्रूव करती है तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली उस मेडिसिन को टेपर करके बंद कर देते हैं. सो वी हैव टू हैव दैट पेशेंस. सो वील हैव दैट पेशेंस एंड वील वर्क टूवर्ड्स इट. आपके साथ मैं स्क्रीन पे डिटेल्स शेयर कर देती हूँ इसका, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट इन टच विद द एडमिन टीम. एज आई मेंशन कि ये जो हमारा जर्नी रहेगी, ये 2 महीने की रहेगी. द फी स्ट्रक्चर हैज नॉट चेंज्ड, इट इज द सेम थिंग. हाँ जी, ईएफटी आप किसी के लिए भी कर सकते हैं. आप किसी को वीडियो पे भी इंस्ट्रक्ट करके उनसे करा सकते हैं, तो ऑनलाइन भी आप इस सेशन को कंडक्ट करके उन्हें हील कर सकते हैं. ऑनलाइन जैसे मैं आपके साथ बात करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कैसे आप टैप कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, वैसे ही आप उनको बता के उन्हें हील कर सकते हैं. अफर्मेशंस आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए दे सकते हैं. आपके पास तो पूरी लिस्ट होगी अफर्मेशंस की, आप उसमें से छांट के उनके लिए दे सकते हैं. सपोज समबडी वॉन्ट्स टू लूज वेट और वो आपको कनेक्ट करते हैं, तो आप उन्हें वेट लॉस के अफर्मेशंस देंगे और उसके साथ आप उन्हें टैपिंग टेक्निक्स बताएंगे. तो जब हम पूरे ये 18 मेरिडियंस पे टैप करते हैं तो इसमें टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि हम 3 राउंड्स करते हैं. फर्स्ट राउंड वी एड्रेस द प्रॉब्लम, सेकेंड राउंड जो होता है उसमें हम एक्सेप्टेंस देते हैं, एंड थर्ड राउंड में हम पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के उस प्रॉब्लम से ओवरकम करते हैं. सो दिस इज हाउ वी मूव इन स्टेप वाइज. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. जो आपकी स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर्स हैं, ये हमारे एडमिन टीम के नंबर्स हैं, जहां पे आप बात करके कनेक्ट कर सकते हैं. आपको कोई भी इंक्वायरी है कोर्स से रिलेटेड, ये कोर्स स्टार्ट होगा इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल.
टाइमिंग्स आर येट टू बी डिसाइडेड, टाइमिंग्स जैसे ही डिसाइड हो जाएंगे आपके पास फ्लैश आ जाएंगे, मोस्ट प्रॉबली इवनिंग टाइमिंग्स ही रहेंगे। तो आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर्स, द कंटेंट या जो भी आज हमने डिस्कस किया, आप प्लीज अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। हाँ जी तरुण जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन आपके दूसरे कोर्स से था। एक्चुअली मैं ना नया हूँ और मैंने आज दोपहर में एडमिन टीम से बात करी थी। आई हैव सॉ वन ऑफ योर वीडियो रिगार्डिंग दैट ऑटोमेटिक राइटिंग, ओके राइट? तो मैं उसमें इंटरेस्टेड था, मैं उस कोर्स को तो अवेल करूँगा, लेकिन मीन वाइज मैं ये चाह रहा था कि इफ आई कैन गेट इट डन फॉर मी either through you or any of your students, if it is possible, because there are few things going on and I really need answer of these So you want to get automatic writing done or you want to get EFT done? automatic editing, automatic. So in that case आप ग्रुप में एडेड हैं, आप वहां से मेरे से। हाँ जी नंबर आई गॉट योर नंबर दिस आफ्टरनून, मैंने आपको व्हाट्सएप कॉल किया था बट यू इज पिकअप आज, तो ओके आई वाज टोल्ड कि ये सेशन होगा तभी मेरे को ये लिंक भेजा गया था एंड आई वाज टोल्ड टू टॉक टू यू दैट हाँ तो ठीक है, यू कैन जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज, तो मैं आपको उस हिसाब से टाइम दे दूंगी एंड देन वी कैन कनेक्ट फॉर द सेशन। राइट, एंड दो आई एम इंटरेस्टेड टू डू दैट एज वेल, बट आई डोंट नो कि उसमें कितना टाइम लगेगा मेरे को अपने आंसर्स मिलने में, तो साथ में थोड़ा सा क्लियर नहीं, होगी। यू विल स्टार्ट गेटिंग। देखिए जो इस समय आपकी वाइब्रेशंस हैं, बहुत सारी चीजें इमोशनल ग्राउंड्स पे चल रही है और कुछ चीजें आप पास से लेकर आए हैं, कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब आप काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं बट आपको मिल नहीं रहे हैं। आई ट्राइड मेनी थिंग्स और आई मीन मैं जानता हूँ बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरे को वो एग्जैक्ट आंसर नहीं तो आई सो थॉट ऑफ डोंट वरी, वील ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, राइट, एंड वील कनेक्ट। थैंक यू मैम, आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा विथ योर नेम एंड आई'ल यस कनेक्ट। श्योर मैम। मैम ओके हाँ जी मैम अफर्मेशंस आप जैसे बोल रहे हैं तो वो क्या ऐसे ये होपनोपनो का यही कंटिन्यू रहेगा हर चीज के लिए या फिर सारे नहीं प्रॉब्लम्स में एक ही रहेगा या डिफरेंट डिफरेंट? नहीं हर प्रॉब्लम के लिए अफर्मेशन डिफर करते हैं क्योंकि रूट कॉज हर प्रॉब्लम का डिफरेंट है। जैसा ओके मैंने आपको बताया कि सपोज पेट की दिक्कत है तो उसमें क्या हो रहा है कि आप चेंजेस को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे अफर्मेशन उस तरीके के आएंगे कि आप चेंजेस को स्वीकृति दे रहे हैं। अब दूसरी ओर अगर मैं कहूँ कि आपके सिर में कोई प्रॉब्लम है, सपोज आपको माइग्रेन रहता है, बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, तो उस केस में क्या है कि आप खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे, तो वहां अफर्मेशन चेंज हो जाएगा, राइट? ओके मैम तो हर प्रॉब्लम के लिए क्या रहेगा, जो 3 स्टेप है ना, वो 3 स्टेप हर प्रॉब्लम के लिए चेंज होगा और इसमें कई सारे एडिशंस और डिलीशंस आप कर सकते हैं जो आपको बताया जाएगा। ओके मैम तो ये ऑनलाइन अगर किसी और के लिए हम लोग कर रहे हैं डिस्टेंस वाले, तो उनको हम लोग मतलब अफर्मेशन उनको बोलना पड़ेगा, मतलब वो हम लोग बताएंगे उनको, मतलब वो आप हाँ सिखाओगे उनको, वही है ना? यस हाँ जी ओके 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 मैम तो ये फिर इसका जो टाइमिंग मतलब कुछ रहता है ऐसे कि जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ में किसी भी डिजीज का उसको हील करने के लिए ऐसे कुछ रहता है या फिर ऐसे? देखिए इसका मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। जैसे जो डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप कहें कि कोई ऑलरेडी डायबिटिक है जो पिछले 15-20 सालों से डायबिटीज की दवाइयाँ खा रहे हैं, हाँ उनको जी हाँ समय ज्यादा लगेगा हील होने में, उनको हो ओके सकता है कि 5-6 महीने लग जाए क्योंकि वो डीप रूटेड ओके है, तो वो हमें जड़ से निकालने में उसे टाइम लगेगा। हाँ अगर हाँ किसी की ऐसी कोई प्रॉब्लम है डेली की, या आपके पास कभी बच्चे ही होते हैं, घर में बच्चे आ जाते हैं, या टीनेजर्स आजकल बहुत स्ट्रेस्ड हैं ड्यू टू द चेंजेस, तो
हम उनकी जो है उनकी एक दो सिटिंग में क्योर हो जाती है प्रॉब्लम। तो जितना डीप रूटेड प्रॉब्लम होता है उतना टाइम लगता है। अदरवाइज कई चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि 2 महीने के टाइम ड्यूरेशन में दे वर एबल टू गेट रिजल्ट्स। ओके मैम, ओके ओके अंडरस्टैंड मैम, थैंक यू सो मच। निकिता जी, आपका क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि मींस हम किसी के लिए, मींस किसी के लिए यानी किसी के बदले में टैपिंग कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर ये है कि वो खुद से फिजिकली केपेबल नहीं है टैप करने के, तब हम उनके लिए प्रॉक्सी करते हैं। उसका मेथड भी आपको बताया जाएगा। ओके। और मैम जैसे ना मेरा बेबी है 15 मंथ्स का है ना, और अभी आजकल के बच्चों के अंदर स्लीप इश्यूज मैंने देखे, मतलब मैं जिससे भी डिस्कस कर रही हूँ वो ये बोलते हैं कि हाँ आजकल के बच्चों के अंदर एनर्जीज बहुत रहती हैं तो वो सोते नहीं है, और दूसरा मेरा बेबी क्रैंकी बहुत रहता है, तो क्या मैं उसके लिए कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप जैसे थर्ड पार्टी हम लोग करते हैं ना, आपका बेबी तो आपके पास ही है, तो आप हाँ क्या हाँ कर सकते हैं, बहुत जेंटल हाथ से उनके यहाँ यहाँ पे करके ना टैपिंग हल्के हाथ से कर सकते हैं, बहुत हल्के हाथ से। और वैसे ठीक भी जितनी भी हम टैपिंग करते हैं बहुत हल्के हाथ से करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स भी आते हैं, क्योंकि काफी लोग आते हैं जो चाहते हैं कि हम अपने हाथों से करें। ओके मतलब कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनको आप समझा दोगे, बट एक विश्वास जैसे जम जाता है ना, तो हाँ उन्हें ये हाँ लगता है कि नहीं मैम आप अपने हाथ से करो तो हम हील हो जाएंगे। तो उस केस में भी जब हम टैपिंग करते हैं तो वी डू इट वेरी जेंटली, हमें सिर्फ उनके उन पॉइंट्स को जेंटली टच करना होता है हील करने के लिए, ओके और राइट? मैम जैसे बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं ना, रिलेशनशिप्स ट्रॉमास होते हैं, फिर मतलब मेजरली तो रिलेशनशिप्स के रिलेटेड रहते हैं, तो वो भी हील हो जाते हैं क्या? बहुत ज्यादा हद तक जो आपको मैंने अभी एक्सरसाइज कराई हो पोनो पोनो, वो बिगिनिंग है टू हील एनी रिलेशनशिप ट्रॉमा। ओके वो सिर्फ एक छोटा सा, आप ये मान के चले एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको कराया है, क्योंकि इसमें इतना कुछ है हील करने के लिए कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा 2 महीने कम नहीं है। तो मैम ये 2 मंथ्स इनफ रहेंगे क्या? मतलब खुद प्रैक्टिस तो हो जाएगी, वो प्रैक्टिस तो हो जाएगी, बिल्कुल, बट क्योंकि जैसे मैं देखिए खुद एक लाइफ कोच हूँ और मुझे ये सीखना है सो दैट मैं खुद को भी हील कर सकूँ और दूसरों को भी कर सकूँ, इसीलिए। तो उस केस में जब हम प्रैक्टिकली करते हैं क्लास में तो आप तो साथ साथ ही करेंगे, हाँ बिकॉज उसमें वो सारा कुछ मैं साथ में ही करवाती हूँ। और ओके उसके बाद जब आप दूसरों के करते हैं, आप खुद की हीलिंग जैसे सुबह आपने कर लिया, आप कहीं बाहर बैठे हैं और आपको लग रहा है कि आपको टैपिंग करनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जेंटली उन चीजों को ना हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे टच कर लेते हैं कि किसी को पता भी नहीं चला हमने टैपिंग की है, एंड वी हैव डन द टैपिंग। बहुत ओके जेंटली, बस वी जस्ट गो ऑन टचिंग कि हाँ बस हो गया। तो ये ऐसे पैटर्न्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईएफटी टैपिंग के लिए आपको किसी सेक्रेट स्पेस की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, वाइल ट्रैवलिंग कैब में या मेट्रो में बैठ के भी करते हैं, ओके तो इतना कन्वीनियंट है कि आप इसे कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है। और मैम ये आपका ऑटोमेटिक राइटिंग का जो कोर्स है वो अभी चालू है क्या या अभी होने वाला है? अभी तो नहीं है, आपको एडमिन से कनेक्ट करना होगा टू नो के व्हेन आर दे गोइंग टू स्केड्यूल इट नेक्स्ट। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू मैम। अच्छा, और ये कौन से डेज रहेगा ये वाला कोर्स जो है हमारा? मैम, ये डेज और टाइमिंग्स आपको फ्लैश किए जाएंगे, एक्चुअली फॉर दैट देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, तो ये आपको पूरा फ्लैश कर दिया जाएगा। ये सारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में मिक्स्ड होती हैं, अफर्मेशंस भी, और ये सारी क्लासेस में दोनों लैंग्वेजेस यूज होती है। एंड आई एम मोर यूज टू, लाइक इनिशियली बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती थी, अभी दोनों का मिक्स्ड ही रहता है, सो दैट इज हाउ यू विल बी हेल्प।
लेकिन इतना आई कैन अश्योर यू कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क जितनी भी बारी, बिकॉज माई टास्क इज कि आप जब ये जर्नी खत्म हो तो आप इतने सक्षम हो जाएं कि आप लोगों को हील कर सके, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, खुद को हील कर सके और दूसरों को हील कर सके। मैम जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे दूसरे क्लासेस भी हैं, तो अगर मैं ये नहीं कर पाती हूँ तो मुझे रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मुझे कोई डाउट है तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ ना? देखिए, इन दैट केस होता क्या है कि रिकॉर्डिंग्स अगर आप लेते हैं तो फिर नेक्स्ट जो सेशन जब भी होगा तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बट क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड है, आई वुड प्रेफर अगर आप ज्वाइन करें तो इसको आप लाइव क्लासेस में ज्वाइन करें, आपको टाइमिंग्स और डेज का पता चल जाएगा, तो एज पर द कन्वीनियंस यू कैन ज्वाइन इट। ओके ठीक, थैंक यू। क्योंकि जब हम साथ साथ करते हैं ना तो उसके रिजल्ट्स आते हैं, तो वो आपको एक बेटर एक्सपोजर देंगे। मैडम इसमें कैसे पता चल, मतलब अपन दूसरों की हीलिंग कैसे कर सकते हैं? टेपिंग में तो जब तक अपन खुद नहीं करेंगे तब तक अपन मतलब हील होते ही है ना, डेली दूसरों देखिए, की कैसे करना? इसमें ये है, अनलाइक रेकी एंड अदर मोडालिटीज, आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे उनको, राइट? तो जब हम लाइव क्लास में खुद को हील करेंगे, जैसे आपको टैपिंग बताऊंगी, जैसे अभी बताई, तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम पहले खुद को हील कर रहे हैं, फिर अगर आपको पता है कि सिम्टम्स ये हैं, इसके पीछे का कारण ये है, तो आप उस कारण को हील कर पाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, आप उनको टैप करेंगे इंस्टेड ऑफ टैपिंग इट ऑन योर बॉडी, उन्हीं जैसे पॉइंट। उनको कोई सामने नहीं रहा तो जैसे दूर रहे तो उसमें अपन इनको ये ऐसे टेपिंग तो करना कंपलसरी है ना इसमें? उसमें फिर टैपिंग वो करेंगे, आप वीडियो पे इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रही हूँ, आप वीडियो कॉल अच्छा व्हाट्सएप पे करके या गूगल मीट पे करके उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें बताएंगे कि देखिए पहले आप यहाँ टैप करेंगे, आपको ऐसे करना है, आप उन्हें करके दिखाएंगे और वो वहां पे करेंगे, अफर्मेशन आपके होंगे, अच्छा तो अच्छा ऐसे करके आप उन्हें हील कर पाएंगे। पर मैडम अभी जैसे आपने उनका बताया था कि अभी पास्ट लाइफ का आपका इश्यू है ऐसा है, तो ये ऐसे कैसे पता चलता है कि सिर्फ आवाज से ही पता चल जाता है क्या आपका एक्सपीरियंस? ये वाइब्रेशंस है मैम, ये एक्चुअली अलग अलग वॉइसेस में अलग अलग वाइब्रेशन है जो हिट कर जाती है। कई बार ये एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती है कि जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनको पता चल जाता है। अच्छा, तो जैसे मतलब मेरा टॉयज का काम चल नहीं रहा तो उसको बंद करना है कि आगे चलाना है, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि क्या कारण है कि मेरा टॉयज का काम चल नहीं रहा है? देखिए, उसके लिए जब आप कनेक्ट करेंगे तो वील गो इन टू दैट ऑल्सो कि हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी आवाज की वाइब्रेशंस आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि अभी आपको पेशेंस रखना है। अच्छा बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में तो वैसे वैसे आप बहुत कुछ ऐसा सीख जाएंगे कि आप अपने काम को खुद ही चला लेंगे। अच्छा ओके मैम। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस दैट वी हैव? इन केस के हमारे पास अब और क्वेश्चंस नहीं है, सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन हियर, एंड विद द एक्सपेक्टेशन के बहुत जल्द आप सभी से वापस मिलूंगी इस जर्नी की शुरुआत के साथ। So till then, everybody, thank you for joining and have a great day ahead. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you.